नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पीछे कुछ समय से वीडियो बनाने में मुझे टाइम लग गया, थोड़ा इस तरह से कुछ ऑफिस की व्यवस्था थी, कुछ घर की व्यवस्था थी, जिसकी वजह से ये सब चीज़ नहीं बना पाया, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पर अब दोबारा से मैं रेगुलरली लग जाऊँगा इसके पीछे। और इसमें मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ, जैसे आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेता हूँ डिफरेंट डिफरेंट लग्नों के लिए। कुछ कुछ लग्नों में कुछ कुछ चीजों की एक्सेप्शन है, जैसे मेष लग्न है, वृष लग्न है या मिथुन लग्न है, उनमें कुछ चीजें एक्सेप्शन हैं जिनका याद रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा चीजें नहीं है, मतलब मेष लग्न भी है तो उसमें 8-10 चीजें एक्सेप्शन है, वृष लग्न है तो उसमें 8-10 चीजें एक्सेप्शन है। तो अगर वो एक्सेप्शन का आप याद रखेंगे या वो चीजों को आप याद रखेंगे तो प्रेडिक्शन के अंदर बहुत फायदा होता है, इसलिए वो बहुत जरूरी है। और उसके लिए एक बुक है भावार्थ रत्ना करके नाम से, शायद आपने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो उसको लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उसमें इस तरह की चीजें दी हुई है, उसी में से जो लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, अगर आप मान लिया नहीं भी लेते हैं तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने नोट करी है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप उनको भी नोट डाउन कर लेंगे तो उससे आपका काफी फायदा हो जाएगा। तो समय वेस्ट ना करते हुए मैं आगे चलता हूँ, प्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूँ। ये मेष लग्न की कुंडली है। यहाँ पर मैंने बताया है कि मेष लग्ने तू जातस्य, श्लोक है इसका, मेष लग्ने तू जातस्य राजयोगी अपि लभ्यते चतुर्थ पंचमाधीश संबंधने न संचय। इनका कहने का मतलब क्या है, मेष लग्न में अगर राजयोग बनता है, कब बनता है राजयोग, जब चतुर्थ और पंचम, चतुर्थ भाव का ये हो गया स्वामी और पंचम का स्वामी, दोनों दृष्टि योग से बैठे हों या परस्पर उनमें साथ बैठे हों। देखिए ये एक सिद्धांत है, पाराशरी सिद्धांत है कि केंद्र व त्रिकोण के स्वामी अगर साथ बैठे हों या केंद्र व त्रिकोण के स्वामी में अगर संबंध हो, चाहे दृष्टि संबंध हो, संबंध चार प्रकार के होते हैं आप जानती हैं, एक दूसरे को दृष्टि देने वाला संबंध होता है, एक साथ बैठने वाला संबंध होता है, एक दूसरे के स्थान में बैठने वाला संबंध होता है। तो कोई भी संबंध क्यों ना हो, अगर संबंध बनता है केंद्र के स्वामी में और त्रिकोण के स्वामी में तो वह निश्चय ही राजयोग की प्राप्ति होती है। अब इस कुंडली में कोई ये देखेगा तो उसे कहेगा कि भाई सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं तो जाहिर है कि अमावस्या का जन्म जातक का होगा और ये तो मानसिक तनाव रहेगा इसके अंदर, क्योंकि सूरज ने चंद्रमा को वश कर दिया। तो बात ठीक है, मतलब ये भी सही बात है कि अमावस्या के आसपास का जन्मदिन है और सूर्य ने चंद्रमा को वश किया है तो चंद्रमा की दशा में चंद्रमा के फल जो मिलने चाहिए वो वाले फल नहीं मिल पाएंगे। हो सकता है कि थोड़ा मानसिक तनाव आपको उस दशा में रहे, लेकिन उसके साथ साथ ये एक राजयोग भी बन रहा है, यानी इन दोनों की दशा में चौथे पांचवे या जहां भी ये देख रहे हैं उन भावों के फल, जहां बैठे हैं उन भावों के फल बहुत बढ़िया फल मिलेंगे, वो तो राजयोग भी क्योंकि बन रहा है, केंद्र त्रिकोण का राजयोग है, इसके राजयोग के फल भी प्राप्त होंगे। मानसिक टेंशन वगैरह जरूर प्राप्त हो सकती है लेकिन राजयोग भी प्राप्त होगा इनकी दिशा में। दूसरा श्लोक ये कहता है मेष लग्न में कि मेष लग्ने तू जातस्य धन सप्तम नायक है, यानी मेष लग्न में धन और सप्तम नायक, धन सप्तम यानी धन का हुआ धनेश, धन का मालिक हुआ शुक्र, और सप्तम का मालिक कौन हुआ, वो भी शुक्र हुआ। शुक्र करोति निधन विति ज्योतिष का विधु, उसका कहना यह है कि शुक्र इसमें दोनों मारक भाव के स्वामी बनता है मेष लगन में। तो शुक्र की दशा जब मेष लगन में आती है, जिनकी कुंडली मेष लगन की हो और उनकी शुक्र की दशा आए तो बहुत याद रखना, तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर मतलब कोई ऐसा मारक खंड ना चल रहा हो या कोई ऐसी एज ना हो बहुत बड़ी तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शुक्र इसमें मारक का काम करता है। और मारक का काम इसलिए भी करता है क्योंकि आप देखिए, एक तो दूसरे और सातवें घर का मालिक है, दूसरा और सातवां घर दोनों आपका मारक भाव होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि आठवां घर आयु का होता है तो आठवें से ये व्यय हानि, आयु की हानि होती है तो ये मारक भाव हो जाता है। ऐसी आठवें से आठवां भाव तीसरा भाव बनता है जो वो भी आयु का भाव बनता है भावत भवन के हिसाब से, तो उसका बारहवां भाव वो दूसरा भाव हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि दूसरा भाव और सातवां भाव दोनों मारक भाव कहलाते हैं, और जो ग्रह इस भावों का स्वामी होता है दूसरे का और सातवें का, वह मारक ग्रह कहलाता है। और मेष लग्न में खास तौर से दोनों चीजों का स्वामी
यानी दूसरे भाव का स्वामी भी और सातवें भाव का स्वामी भी शुक्र बन जाता है, जिसकी वजह से वो मारक सिद्ध होता है। तो उसकी दशा मारक सिद्ध हो सकती है। उसकी दशा मारक इसलिए भी ज्यादा सिद्ध हो सकती है क्योंकि शुक्र को देखिए, इसके अंदर शुक्र केंद्र का स्वामी है, यानी शुक्र की जो एक राशि है सात नंबर, वो केंद्र में है, मूल त्रिकोण राशि समझ लीजिए आप इसकी मेन, तो वो केंद्र में बैठी हुई है। तो केंद्र में अगर किसी शुभ ग्रह की राशि हो तो शुभ शुभ ग्रह को केंद्राधिपति दोष लगता है, और केंद्राधिपति दोष लगने से शुभ ग्रह अगर केंद्र में केंद्र के स्वामी हो तो उनको दोष जो लगता है उससे उनके फल बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए शुक्र यहाँ पर और हानि करेगा। एक तो शुक्र ने मारक होने की वजह से हानि की, दूसरा शुक्र को केंद्राधिपति दोष लगा इसलिए हानि करेगा। लेकिन उसके साथ साथ एक ये कहता है कि द्वितीय सप्तमेशो अपिने भौमो मार्को भवेत, ये कहता है कि कहीं भी अगर ऐसा मिल जाए कि एक ही ग्रह दूसरे भाव का भी और सातवें भाव का भी स्वामी हो तो उसको मारक ही नहीं समझ लेना चाहिए, क्योंकि तुला लगनी कुंडली, ये तुला लगनी कुंडली है, इस तुला लगनी कुंडली में दूसरे भाव में राशि है आठ, सातवें भाव में राशि है एक, दूसरे भाव का स्वामी बनता है मंगल और सातवें भाव का स्वामी बनता है मंगल। तो क्या मंगल यहाँ मारक सिद्ध होगा, क्योंकि दोनों मारक भाव उसके पास है, तो मंगल यहाँ भी, मंगल की दशा भी क्या मारक सिद्ध होगी। यहाँ मंगल को एक एडवांटेज मिल जाता है कि मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है वो केंद्र में सात नंबर भाव में है, और केंद्र में होने से मंगल को केंद्राधिपति दोष लगा। और हम ये जानते हैं कि नैसर्गिक पाप ग्रह को जब भी केंद्राधिपति दोष लगता है तो उसमें शुभता आ जाती है। तो मंगल में यहाँ शुभता आ जाएगी और मंगल की दशा मारक काम नहीं करेगी, मंगल की दशा यहाँ पे शुभ जाएगी। तो ये चीज बड़ा ध्यान देने वाली बात होती है कि कैसे हम लोग देखते हैं उसको मारक ग्रह के लिए। दोनों कुंडली के अंदर, मेष लगनी कुंडली में और तुला लगनी कुंडली में, दोनों में डिफरेंस बन जाता है। अब मेष लगन का ही एक और श्लोक पढ़ते हैं। ये कहता है गुरु नवमेश होकर और द्वादशेश होकर गुरु ये दशम भाव में स्थित हो तो मृत्यु को खंड आने पर मारक सिद्ध हो सकता है। गुरु ये कैसे, देखिए गुरु दशम भाव में, मेष लगनी कुंडली है, दशम भाव में गुरु कैसा हो जाता है, गुरु मकर में नीच का ग्रह हो जाता है। तो दशम में नीच ग्रह होने से ये एक, और इसकी दृष्टि कहाँ है, एक दो तीन चार पांच दूसरे भाव पे दृष्टि है इसकी, मारक भाव पे, मारक भाव पे इसकी दृष्टि है। सातवीं दृष्टि इसकी यहां पर है, आठ नौ नवी दृष्टि इसकी यहां पर है। तो दूसरे भाव पे इसकी मारक दृष्टि होने से और ये खुद नीच का होने से दूसरे भाव का फल भी ये देगा, इस भाव का फल भी ये देगा, तो दूसरे भाव का फल देगा, तो दूसरे भाव का फल मारक सिद्ध भी हो सकता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो ग्रह दूसरे भाव में को देखते हो उनकी दशा भी मारक सिद्ध हो सकती है। तो कारक यहाँ पर ये एक रीजन है कि एक दो तीन चार पांच गुरु की दृष्टि दो नंबर राशि पे भी है, मारक भाव पर भी है, तो गुरु मारक भाव को भी एक्टिवेट करेगा। और गुरु खुद इस कुंडली में नीच का बना हुआ है, मेष लगनी कुंडली में, तो गुरु मारक सिद्ध हो सकता है। अगला श्लोक है, यहाँ ये कहते हैं कि मेष लगने तू जातस्य राजयोगो न लभ्यते भाग्य राज्य संबंध मात्रेण ही न संशय। ये कहता है कि मेष लगन वालों के लिए, देखिए एक सिंपल प्रिंसिपल है कि केंद्र और कोण का स्वामी का संबंध हो तो वो राजयोग बनता है, संबंध कैसा भी हो, चाहे दृष्टि संबंध हो चाहे युति संबंध हो। तो केंद्र और कोण का स्वामी अगर साथ बैठे या एक दूसरे को देखें तो राजयोग बनता है। अब यहां देखिए, यहाँ शनि है गुरु, देखिए गुरु क्या है, गुरु को बोलेंगे आप शनि आपका केंद्र का स्वामी है, क्योंकि इसके पास दस नंबर राशि इसकी यहां पर है। गुरु त्रिकोण का स्वामी है, इसकी नौ नंबर राशि यहां पर है, ठीक है, मतलब त्रिकोण का, तो गुरु त्रिकोण का स्वामी हुआ और शनि जो है इसका स्वामी हुआ। तो ये कहता है कि इस संबंध मात्र से ही राजयोग नहीं बन पा रहा है। वो क्यों नहीं बन पा रहा राजयोग, जब हमने ये देखा है कि केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी साथ हो तो राजयोग बनता है, तो यहाँ पर राजयोग क्यों नहीं बन पा रहा। यहाँ राजयोग इसलिए नहीं बन पा रहा है कि अगर आप शनि को देखें, शनि जो है इस कुंडली में दशमेश के साथ साथ एकादशेश भी है, और अलेवंथ का लॉर्ड जो होता है वो अशुभ होता है। ये आप मानते हैं कि तीन छह दस ग्यारह भाव
ये उपचय भाव जो होते हैं हमारे, ये भाव बहुत अच्छे नहीं माने जाते। हाल दो 11वां भाव आज की डेट में बड़ा अच्छा माना जाता है इस लिहाज से कि लाभ का भाव है, आय का भाव है, लेकिन जब भी 12वीं सिद्धांत में अशुभ भाव की गणना होती है तो 11वां भाव भी उसमें शुभ भाव नहीं माना जाता। तो चूंकि सहचर्य के नियम से शनि की एक राशि 11वें भाव में पड़ रही है तो शनि यहाँ पे शुभ नहीं रहा इस कुंडली वाले के लिए, क्योंकि वो लगन का मित्र भी नहीं है। मंगल लग्नेश बनता है इस कुंडली के लिए और शनि लगन का मित्र भी नहीं है, तो शनि मेष लगन के वालों के लिए मित्र का काम नहीं कर रहा है। तो मेष लगन वालों के लिए जब वो मित्र काम नहीं कर रहा है तो शनि और गुरु भले ही केंद्र त्रिकोण के स्वामी क्यों ना हो, इनका संबंध राजयोग नहीं बन पाएगा। तो ये जरूरी है राजयोग बनने के लिए कि दोनों ही आपके लग्नेश के मित्र हों, तो बहुत अच्छा संबंध बन जाता है। अगर केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी लग्नेश के मित्र हो तो संबंध बहुत अच्छा बनता है। आगे चलते हैं। अगर लग्नेश का मित्र भी ना हो तो कम से कम उसके पास भाव बुरा ना हो, वो एक ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, इसमें एक चीज मेष लगन के लिए स्पेसिफिकली ये बताई गई है, काफी ज्योतिषियों का ये कहना है और ये होता भी है कि मेष लगन में उत्पन्न होने वाले जातकों को शस्त्र चोट फोड़े आदि से पीड़ित होने का भय रहता है। ये एक हमेशा टेंडेंसी बनी रहती है, जो कि मेष लगन होता है और मंगल इसका स्वामी है और मंगल का कारक भी आपका, आप समझते हैं कारक मंगल का चोट फेंट है, शत्रुता है, चोट लगना है, शस्त्र रखना है, ये सब मंगल एक कारक है। तो मंगल कुंडली में जो अगर मेष लगन की कुंडली जो होती है तो उसमें ऐसे जातकों को मतलब बड़ा बचना चाहिए इन चीजों से कि वो अपने पास शस्त्र ना रखें और थोड़ा एडवेंचर ज्यादा ना लें, चोट वोट लग सकने का भय रहता है। तो ये एक चीज होती है कि मेष लगन में जो ध्यान देने वाली बात होती है। इसके बाद मेष लगन में और क्या चीज ध्यान देने वाली है, यहां वो कहते हैं कि षष्ठ भास्त बनाथे ने युतो भूमि सुतो यदि तद शांतर दशा काले निधनम मूर्धने क्रंदनम। ये कहता है कि छठे भाव का स्वामी अगर भूमि सुतो मीन्स मंगल, भूमिसुत बोलते हैं भूमिपुत्र, तो छठे भाव का स्वामी अगर बुध, जो छठे भाव का स्वामी बन रहा है इस कुंडली में, अगर मंगल से युक्त हो तो उन दोनों की दशा आने में, एक ही दशा और एक ही अंतर दशा आने में सिर पे चोट लगने से चोट लग सकती है। मृत्यु तो आप नहीं कहेंगे जब तक मृत्यु खंड ना लागू हो, कुंडली के अंदर मारक खंड ना लागू हो, लेकिन हाँ चोट लगने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है ऐसे में किसी की देखी दशा और किसी एक की अंतर दशा में। अब जैसे देखिए मंगल और बुध यहाँ है, छठे भाव में मंगल और बुध बैठे हुए हैं, तो मंगल आपका, बुध आपका षष्ठेश है, कि बुध की मूल त्रिकोण राशि यहाँ बैठी होगी, तो षष्ठेश पे मंगल का प्रभाव आया। षष्ठेश तो खुद ही रोग वाला ग्रह है जो रोग देगा, और ऊपर से मंगल का प्रभाव आ गया, मंगल चोट शत्रु वाला, चोट वाला, चोट फेंट वाला ग्रह है, तो ऐसे में बहुत पॉसिबिलिटी बन जाती है कि इस तरह की चीजों में मंगल में बुध की अंतरदशा हो या बुध में मंगल की अंतरदशा हो कि आदमी को चोट फोट लग सकती है सिर में या जो चीज हो सकती है। तो मंगल और बुध यानी कि षष्ठेश के साथ मंगल अगर बैठा हो, षष्ठेश देख लीजिए कुंडली में षष्ठेश का मतलब आपकी वहां पर उसकी मूल त्रिकोण राशि होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ 3 नंबर राशि हो तो हम उसे षष्ठेश मानेंगे। षष्ठेश बुध जब भी माना जाएगा जब 6 नंबर राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि षष्ठ भाव में होगी, तो षष्ठेश उसी को मानिए, उसी पर षष्ठेश का प्रभाव होता है। तो षष्ठेश और मंगल अगर साथ हो तो चोट लगने की संभावना होती है। ये मेष लगन में बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि मंगल मेष लगन का मालिक भी होता है और मेष लगन जो होता है राशि, ये सर का प्रतिनिधित्व करती है। मेष जो राशि होती है, ये जब आप ऊपर चलेंगे शरीर के अंग देखेंगे डिफरेंट राशियों के, तो मेष राशि से वृष राशि से चलेंगे आगे, तो मेष राशि सिर का प्रतिनिधित्व करती है, तो सिर में चोट लगने की संभावना इसमें बन जाती है। ये एक ध्यान देने वाली बात है। आगे चलते हैं। इसमें एक इन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि मेष जातस्य धनपो व्यय स्थोपि कवि शुभ इतरक्षे तु जातस्य व्ययस्त धनोप शुभ। मेष लगन वालों के लिए द्वितीय शुक्र, यानी मेष लगन वालों के लिए देखिए मारक है शुक्र, बस दूसरे और सातवें भाव का स्वामी है शुक्र, लेकिन यह मारक है। लेकिन अगर वो 12वें स्थान में चला गया तो शुभ फल भी करता है। क्यों करता है? क्योंकि 12वें स्थान में वो कालचक्र की कुंडली के हिसाब से, ये मेष लगन की कुंडली कालचक्र की कुंडली भी है, एक तो यहाँ पे वैसे ही वो उच्च का हो गया,
और दूसरा कालचक्री कुंडली में वैसे भी वो उच्च का ही बन जाता है यहाँ पे आके, तो दोनों टाइम दोनों तरह से उच्च का बन गया, मेष लगन में उच्च का बना और जो कालचक्र की कालपुरुषी कुंडली है, कालचक्र सॉरी मैं गलती से बोल गया, कालपुरुषी कुंडली है उसके अंदर भी ये बारहवें भाव में शुक्र उच्च का हो जाता है, जिसकी वजह से ये शुभ फल करता है। लेकिन इनका कहना है लेकिन कोई और लगन अगर होता तो उसमें द्वितीयेश जो है वो द्वादश भाव में अच्छा फल नहीं करता, सिर्फ यही लगन ऐसा है, मेष लगन ही ऐसा है जिसमें द्वितीयेश यानी मारक शुक्र मारक होते हुए भी द्वादश भाव में अच्छा फल करता है, क्योंकि यहाँ पे ये उच्च का बन गया है और कालपुरुषी कुंडली में भी यहाँ पर ये उच्च का होता है। इसके अलावा कोई भी यहाँ लगन क्यों ना हो उस लगन में द्वितीयेश कभी भी बारहवें भाव में अच्छा फल नहीं देता, अशुभ फल देता है। अब इसमें ये बोलते हैं मेष जातस्य भौमस्तु शुक्रेण सहितो यदि योगदो भविता भूयो मार्को अपि भवेद सो। क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि मेष का लग्न हो, मेष लग्न है ये कुंडली बनी हुई है मेष लग्न की, और मंगल शुक्र की युति हो, तो मंगल योग कारक और मारक दोनों के रूप में कार्य करता है। आप ये सोचिए कैसे, ये कैसे पॉसिबल है, मंगल योग कारक और मारक दोनों के रूप में कार्य करता है, इसका आपको कैसे लगाना। देखिए जब भी युति होती है, एक बात ये चीज में ध्यान रखिए आप इसके अंदर, कि युति के अंदर हमेशा ग्रह एक दूसरे का गुण स्वरूप ले लेते हैं, युति में ग्रह एक दूसरे का गुण स्वरूप ले लेते हैं, तो मंगल और शुक्र अगर बैठ जाएं साथ में तो होता क्या है कि मंगल की दशा जब होती है या शुक्र की दशा जब होती है तो मंगल अपने फल देने, मंगल के फल मिलने शुरू हो जाते हैं और मंगल की दशा में शुक्र के फल मिलने शुरू हो जाते हैं, तो एक ही मतलब ग्रह आपका, क्योंकि शुक्र जो है यहाँ पे दूसरे और सातवें भाव का स्वामी है, शुक्र यहाँ पे मारक ग्रह है दूसरे और सातवें भाव का स्वामी है, और मंगल यहाँ पे लग्न का स्वामी है, मंगल यहाँ पे लग्न का स्वामी है, तो मंगल तो इस कुंडली के हिसाब से शुभ ग्रह हुआ, योग कारक ग्रह हुआ क्योंकि लग्नेश है, लेकिन वो बैठा किसके साथ है, वो मारक ग्रह के साथ बैठा है, जिसके पास दोनों भाव मारक ग्रह मारक भाव है, तो शुक्र मंगल मेष लग्न में केवल इंपॉर्टेंट है ध्यान देने वाली, कि शुक्र और मंगल का मेष लगन में अगर गुण बनता है, योग बनता है, संबंध बनता है, तो ये मंगल जो है ये योग कारक भी काम करता है क्योंकि लग्नेश भी है और मारक का काम भी करता है क्योंकि मारक ग्रह के साथ बैठा हुआ है, ये ध्यान देने वाली इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आई रिपीट फिर समझ लीजिए कि मंगल लग्नेश है, लग्नेश होने की वजह से मंगल इस कुंडली में योग कारक ग्रह है, शुक्र इसके पास, शुक्र के पास दूसरा और सातवां भाव है और शुक्र शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह वो केंद्राधिपति दोष भी लगता है, ऊपर से मारक भाव इसके पास हो गया तो ये मारक ग्रह हो गया, तो मंगल के साथ यानी लग्नेश के साथ मारक ग्रह बैठा हुआ है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो जब भी कभी मंगल की दशा होगी तो लग्नेश होने से अच्छा फल तो देगा, लेकिन हो सकता है कि वो कारक मृत्यु कारक कष्ट भी दे क्योंकि वो मारक ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो ये चीजें ध्यान देने वाली इसमें होती है। एक श्लोक में आपको और बता देता हूं इसके अंदर, वो अभी आप लिख लीजिए सुन कर लीजिएगा, कि मेष जातस्य भौमस्तु गुरुश्च शुक्र समन्वित द्वितीय यदि विद्यते योगदो भवति ध्रुवम। द्वितीय स्थान में वृषभ राशि यानी सेकंड हाउस में कौन सी राशि है, वृषभ राशि, मंगल गुरु शुक्र यदि स्थित हो तो यह योग शुभ धन नायक होता है। कैसे, इसी को कहते हैं कि साहब ये शुभ धन योग है, इससे धन की वृद्धि होती है। कैसे, क्योंकि मंगल लग्नेश है यानी स्वयं मंगल तो लग्नेश हो गया, शुक्र क्या है, धनेश है, शुक्र धन के प्रतिनिधि भी है, और गुरु क्या है, गुरु भाग्य के प्रतिनिधि है, तो भाग्येश धनेश और लग्नेश अगर किसी कुंडली में, मैं बात कर रहा हूं कि भाग्येश धनेश और लग्नेश अगर किसी कुंडली में साथ बैठे हों और किसी अच्छे घर में बैठे हों, छह आठ बारह में ना बैठे हों तो वो अच्छा योग बनाते हैं, धन का योग बनाते हैं, भाग्येश लग्नेश और सातवें भाग्येश लग्नेश और धनेश, साथ में कर्मेश भी जुड़ जाए अगर बाई चांस, शनि भी साथ में यहाँ जुड़ जाता, यहाँ ध्यान नहीं है लेकिन वो भी जुड़ जाता तो और भी अच्छा योग बन जाता।
भाग्य भी आ गया, कर्म भी आ गया, धन भी आ गया, लग्न भी आ गया। यानी धन आपको मिलना है, लग्न आप हैं, धन आपको मिलना है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, कर्म आपका साथ दे रहा है, तो आपको धन की प्राप्ति बहुत अच्छी होती है। तो ये एक बड़ा अच्छा योग होता है कि अगर मंगल शुक्र गुरु यानी भाग्येश धनेश और लग्नेश ये तीनों एक साथ बैठे हों तो ये बड़ा अच्छा धन का योग होता है। ये मुझे लगता है कि आप लोगों को समझना हो कि मेष लगन में ये 9 श्लोक कुछ हैं। अब कुछ लोग इसके आगे हैं तो उसके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। इन श्लोक्स को आप थोड़ा नोट कर लीजिए, देख लीजिए, ये मतलब एक्सेप्शंस हैं। जैसे कहना चाहिए कि जो चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ कि मेष लगन में है तो दैट इज पॉसिबल इन द मेष लगन ओनली, वो किसी और लगन के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो ये जो पॉइंट्स बताए हैं आपको हमने, ये सारे मेष लगन वाले पॉइंट थे कि मेष लगन में ही ऐसा होता है कि इस तरीके से गुरु मंगल शुक्र की युति हो, दूसरे भाव में हो, तो वो युति धनदायक मानी जाती है, धन का योग बनता है, महायोग बनता है, राजयोग बनता है। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ कि मैं जुलाई के एंड से बेसिक परीक्षण एस्ट्रोलॉजी, बेसिक एस्ट्रोलॉजी परीक्षण की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि करीब 4 महीने, मिनिमम 4 महीने का कोर्स होगा। उसमें मैं आपको सभी चीजें जैसे दशा है, गोचर है, भाव है, ग्रह है, राशि है, और जो भी मतलब आइटम्स हैं आपके, कुंडली कैसे देखते हैं, ये सब चीजें मैं उसके अंदर बताऊंगा। तो अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड हो तो मेरे YouTube पे जो WhatsApp नंबर दिया हुआ है, जो वीडियो पे WhatsApp नंबर मिलेगा, तो उस WhatsApp पर डिटेल अपनी भेज सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।